हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल हमने हमारे लास्ट वीडियो में इसेंशियल ऑयल के बारे में डिस्कस किया था इसेंशियल ऑयल क्या होता है उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं ये हमने देखा है इसेंशियल ऑयल प्लांट्स के बॉडी पार्ट से एक्सट्रैक्ट करके बनाए जाते हैं इसके वजह से ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं तो इसे सही मात्रा में और सही जगह पर इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है हम हमारे डेली रूटीन में बहुत जगह पे इसेंशियल ऑयल यूज़ कर सकते हैं जैसे कि स्किन केयर के लिए हेल्थ केयर के लिए हेयर केयर के लिए और भी जनरल पर्पस हम इसेंशियल ऑयल यूज़ कर सकते हैं लेकिन कौन सा इसेंशियल ऑयल कहाँ पे यूज़ करें कौन से इसेंशियल ऑयल का क्या बेनिफिट है ये पर्टिकुलर हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं सबसे पहले स्किन केयर के बारे में बात करने जाए तो इसेंशियल ऑयल हम ब्लैकेट्स पिम्पल्स एक्ने एक्ने मास्क अनिवरनेस ब्लेमिशनेस पिगमेंटेशन अंडर आई सर्कल दूर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं इसी के साथ हम स्किन लाइटनिंग स्किन वाइटनिंग एंटी एजिंग एंटी रिंकल इसके लिए भी हम इसेंशियल ऑयल यूज कर सकते हैं तो जनरली हम कौन कौन से इसेंशियल ऑयल किसके लिए यूज करते हैं ये देखते हैं तो सबसे पहले हम लेवेंडर इसेंशियल ऑयल की बात करते हैं तो लेवेंडर इसेंशियल ऑयल हम एज अ एंटी एजिंग एक्ने एक्ने मार्क्स हाइपर पिगमेंटेशन स्किन ब्राइटनिंग स्किन वाइटनिंग स्किन लाइटनिंग ग्लोइंग स्किन इसके लिए यूज कर सकते हैं रोजमेरी इसेंशियल ऑयल वो एंटी एजिंग एक्ने एक्ने स्कार दूर करने के लिए यूज होते हैं जर्मानियम इसेंशियल ऑयल वो एज अ एंटी एजिंग एक्ने एक्ने स्कार हाइपर पिगमेंटेशन स्किन ब्राइटनिंग स्किन वाइटनिंग लाइटनिंग इस परपज के लिए हम यूज़ कर सकते हैं टर्मरिक इसेंशियल ऑयल हम वो एक्ने का दूर करने के लिए स्किन ब्राइटनिंग स्किन वाइटनिंग लाइटनिंग इसके लिए यूज़ कर सकते हैं टी ट्री इसेंशियल ऑयल वो स्पेसिफिकली ज़्यादातर एक्ने एक्नेस्कास पिम्पल्स दूर करने के लिए यूज़ होते हैं इसी के साथ वो ग्लोइंग स्किन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है लेमन इसेंशियल ऑयल वो एक्ने एक्नेस्काज पिम्पल्स दूर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और इसी के साथ वो स्किन ब्राइटनिंग व्हाइटनिंग एंड लाइटनिंग के लिए भी यूज़ होता है पोमेग्रेनेट इसेंशियल ऑयल वो एज अ एंटी एजिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इसी के साथ स्किन हेल्दी करने के लिए भी हेल्प करता है एक इसेंशियल ऑयल एक्ने एक्नेस का दूर करने के लिए यूज़ होता है लेमन ग्रास इसेंशियल ऑयल वो एक्ने दूर करने के लिए और स्किन को ग्लोइंग रिजिगनेट बनाने के लिए हेल्प करता है बेसिल इसेंशियल ऑयल एक्ने दूर करने के लिए यूज होता है कैरेट सीड इसेंशियल ऑयल का यूज़ एक्ने हाइपर प्रिगमेंटेशन दूर करने के लिए होता है और स्किन ब्राइटनिंग व्हाइटनिंग लाइटनिंग एंड ग्लोइंग करने के लिए भी ये यूज़ किया जाता है नेरोली इसेंशियल ऑयल एक्ने स्कार्स दूर करने के लिए यूज़ होता है इसी के साथ ये स्किन व्हाइटनिंग और लाइटनिंग में भी हेल्प करता है सैंडलवुड इसेंशियल ऑयल एक्नेसकास हाइपर पिगमेंटेशन दूर करने के लिए और स्किन ब्राइटनिंग स्किन लाइटनिंग व्हाइटनिंग के लिए भी यूज़ होता है ऑरेंज इसेंशियल ऑयल हम स्किन ब्राइटनिंग व्हाइटनिंग लाइटनिंग एंटी ब्लेमिश एंटी पिंपल के लिए यूज़ कर सकते हैं रोज इसेंशियल ऑयल हम हाइपर पिगमेंटेशन के लिए यूज कर सकते हैं और स्किन वाइटनिंग लाइटनिंग और ग्लोइंग के लिए भी ये यूज़ होता है ग्रेप सीड इसेंेंशियल ऑयल स्पेसिफिकली स्किन ब्राइटनिंग के लिए यूज़ होता है बगेमोट इसेंशियल ऑयल एक्ने ब्लैक स्पॉट्स हाइपर प्रिगमेंटेशन दूर करने के लिए और एज अ एंटी ब्लेमिश यूज़ होता है यूकैलिप्टस इसेंशियल ऑयल एक्ने दूर करने के लिए यूज़ किया जाता है फ्रेंक इसेंशियल ऑयल हम एंटी एजिंग एक्ने एक्ने स्कास हाइपर प्रिगमेंटेशन दूर करने के लिए यूज़ करते हैं और स्किन ग्लोइंग लिए भी ये यूज़ होता है लैंग लैंग इसेंशियल ऑयल स्पेसिफिकली हम डार्क स्पॉट्स दूर करने के लिए यूज़ करते हैं और वो एंटी एजिंग के लिए भी यूज होता है ये सारे हो गए स्किन केयर रिलेटेड इसेंशियल ऑयल के यूजेस कौन सा इसेंशियल ऑयल हम किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं ये हमने देखा अब हम हेयर केयर में इसेंशियल ऑयल किस परपज के लिए कौन सा यूज कर सकते हैं ये देखेंगे इसमें सबसे पहले है लेमन इसेंशियल ऑयल जो स्कैल्प का इन्फेक्शन दूर करने के लिए डैंड्रफ दूर करने के लिए यूज होता है और इससे बालों को नाइस nice फ्रेगरेंस भी मिलता है नेक्स्ट है लेवेंडर इसेंशियल ऑयल जो ज़्यादातर हेयर ग्रोथ के लिए थिकनेस के लिए यूज किया जाता है इससे बालों का जो बैड स्मेल गंदा स्मेल आता है वो भी चला जाता है और बालों को अच्छा नाइस nice फ्रेगरेंस भी मिलता है इसलिए हम ये हेयर स्प्रे में भी यूज कर सकते हैं नेक्स्ट है टर्मरिक इसेंशियल ऑयल जो डैंड्रफ दूर करने के लिए स्कैल्प का इन्फेक्शन दूर करने के लिए इचिंग दूर करने के लिए यूज़ किया जाता है रोजमेरी इसेंशियल ऑयल ये बालों का ग्रोथ बढ़ने के लिए बाल लंबे घने बनने के लिए मदद करता है इसके साथ ही ये डैंड्रफ दूर करने के लिए हेयर्स को सॉफ्ट सिल्की स्मूथ बनाने के लिए हेल्प करता है नेक्स्ट है यूकालिप्टस इसेंशियल ऑयल यानी कि नीलगिरी तेल ये बालों का हेयर ग्रोथ बढ़ने के लिए उन्हें सिल्की शाइनी थिक बनाने के लिए हेल्प करता है नेक्स्ट है टी ट्री इसेंशियल ऑयल ये बालों की हेयर ग्रोथ बढ़ने के लिए हेल्प करता है ये एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल भी है इसकी वजह से स्कैल्प का इचिंग कम होता है डैंड्रफ कम होता है हेयर का थिकनेस भी बढ़ता है नेक्स्ट है ऑरेंज इसेंशियल ऑयल इसका फ्रेगरेंस अच्छा रहता है बालों का बैड स्मेल चला जाता है और ये बाल जो चिपचिपे ऑयली होते हैं उनका ऑयलीनेस कम करता है और उन्हें शाइनी और सिल्की बनाता है नेक्स्ट है लैंग लैंग इसेंशियल ऑयल जिसका फ्रेगरेंस अच्छा होता है ये बालों का बैड स्मेल जाने के लिए मदद करता है इसके लिए हम इसे हेयर स्प्रे में यूज़ कर सकते हैं ये सभी हमने हेयर केयर में इसेंशियल ऑयल कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ये डिस्कस किया अब आती है बारी हेल्थ की तो हेल्थ केयर के लिए भी हम इसेंशियल ऑयल यूज़ कर सकते हैं इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे टी ट्री एसेंशियल ऑयल के बारे में टी ट्री एसेंशल ऑयल नेल्स के हेल्थ के लिए बेस्ट रहता है मतलब कई लोगों के नेल्स नहीं बढ़ते कई लोगों के जो क्यूटिकल्स होते हैं वो रफ़ होते हैं तो उसके लिए टी ट्री एसेंशल ऑयल बेस्ट रहता है ये आलमंड ऑयल में मिक्स करके यूज़ करने से नेल्स की ग्रोथ अच्छी बढ़ती है नेल्स की शाइन बढ़ती है क्यूटिकल सॉफ्ट होते हैं और नेल्स की हेल्थ इंप्रूव होती है ये कफ और कोल्ड में भी यूजफुल है जब आप वाटर की स्टीम लेते हो तब उसमें थ्री टू फोर ड्रॉप्स टी ट्री इसेंशल ऑयल की डालिए इसकी वजह से नोज का ब्लॉकेज कम होता है और कफ़ और कोल्ड से भी जल्दी छुटकारा मिलता है नेक्स्ट है ऑरेंज इसेंशियल ऑयल अगर आपको नींद की प्रॉब्लम हो तो पिलो पर थोड़े से कुछ ड्रॉप्स ऑरेंज इसेंशियल ऑयल के डालिए इसका फ्रेग्रेंस भी बेस्ट रहता है और ये बैक्टीरिया को भी रिमूव करता है इससे आपको नींद भी अच्छी आएगी ऑरेंज इसेंशियल ऑयल हम बॉडी का पेन रिलीव करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं आलमंड ऑयल में टू टू थ्री ड्रॉप्स आप ऑरेंज इसेंशियल ऑयल के मिक्स कीजिए और जिस बॉडी पार्ट पर पेन हो रहा है वहाँ पे मसाज कीजिए हम स्ट्रेस में होते हैं तब भी ऑरेंज इसेंशियल ऑयल हेल्पफुल है नहाने के पानी में थ्री टू फोर ड्रॉप्स ऑरेंज इसेंशियल ऑयल के डालकर नहा लीजिए इससे मूड अपलिफ्ट होता है रिलैक्स फील होता है और स्ट्रेस भी चला जाता है नेक्स्ट है लेवेंडर इसेंशियल ऑयल लेवेंडर इसेंशियल ऑयल स्ट्रेस टेंशन डिप्रेशन नर्वसनेस हेड दूर करने के लिए यूज कर सकते हैं अगर आपके सर में दर्द हो तो फिंगर टिप पे लेवेंडर इसेंशियल ऑयल लेके फोरेड पे मसाज कीजिए और कुछ देर आराम कीजिए इससे आपको रिलैक्स फील होगा नेक्स्ट है लेमन ग्रास इसेंशियल ऑयल ये बॉडी पेन में मसल्स को रिलैक्स करने में यूजफुल होता है इसकी वजह से मूड भी रिफ्रेश होता है ग्रे फ्रूट इसेंशियल ऑयल इसमें एनर्जी बूस्टिंग मूड अपलिफ्टिंग रिफ्रेशिंग प्रॉपर्टीज होती है नेक्स्ट है रोजमेरी इसेंशल ऑयल ये भी हेडेक दूर करने के लिए बेस्ट होता है इसे भी आप फोर हेड पर मसाज करके आराम करो तो आपको रिलैक्स फील होगा ये स्ट्रेच मार्क्स दूर करने के लिए भी अच्छा होता है आफ्टर प्रेगनेंसी जो स्ट्रेच मार्क्स रह जाते हैं उसके लिए ये बेस्ट है आप इसे आलमंड ऑयल में मिक्स कर कर पाँच मिनट मसाज कीजिए और उसे वैसे ही टू टू थ्री आवर्स छोड़ दीजिए और उसके बाद नहाइए इसका रेगुलर यूज़ करने से स्ट्रेच मार्क्स जल्दी ही कम हो जाएंगे नेक्स्ट है जास्मिन इसेंशियल ऑयल जिसमें मूड अपलिफ्टिंग रिफ्रेशिंग प्रॉपर्टीज होते हैं इसकी वजह से नींद भी अच्छी आती है स्ट्रेच मार्क्स रिड्यूस करने के लिए भी ये बेस्ट रहता है इसकी वजह से स्किन भी हेल्दी होती है एक्नेस कास दूर करने के लिए भी ये अच्छा होता है पेपरमेंट इसेंशियल ऑयल ये नेजल कंजेशन क्लियर करता है इसके वजह से ब्रीथ अच्छे से कर पाते हैं इससे फ्रेश भी फील होता है हेडेक दूर करने के लिए भी ये हेल्पफुल होता है वैनिला इसेंशियल ऑयल इसमें कामिंग एंड स्ट्रेस रिलीफ प्रॉपर्टीज होती है सिनेमाम इसेंशियल ऑयल ये नर्वसनेस डिप्रेशन रिड्यूस करता है जॉइंट पेन से रिलीफ दिलाता है डिलीड इसेंशियल ऑयल ये मसल्स क्रैम्प से रिलीफ दिलाता है ये कर्ट्स स्क्रैप्स से अच्छे से ट्रीट करता है ये स्लीप क्वालिटी इम्प्रूव करता है इसे स्किन का अपेयरेंस भी इम्प्रूव होता है और ये इन्फेक्शन प्रिवेंट करता है क्लो इसेंशियल ऑयल यानी कि लॉन्ग ये इसेंशियल ऑयल दांतों का दर्द दूर करने के लिए हेल्पफुल होता है कॉटन बॉल पे थोड़ा सा क्लो इसेंशियल ऑयल लेके जहाँ पे दर्द है वहाँ पे रख दो इससे दांतों का दर्द कम होता है इससे पिंपल्स भी दूर होते हैं इसके साथ ये कफ और कोल्ड में भी बेस्ट रहता है इससे बॉडी पेन और स्वेलिंग भी कम होता है ऐसी ही और बहुत सारी रेमेडीज़ में हम इसेंशियल ऑयल हेयर केयर हेल्थ केयर स्किन केयर के लिए यूज़ कर सकते हैं इसेंशियल ऑयल हम जनरल परपज़ भी बहुत सारी जगह पर यूज़ कर सकते हैं जैसे कि रूम फ्रेशनर बॉडी परफ्यूम बॉडी डिओड्रेंट फ्लोर क्लीनर और भी बहुत सारी जगह पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं रूम फ्रेशनर की तरह उसे यूज़ करने के लिए एक खाली स्प्रे बॉटल में पानी भरिए और इसमें 10 से 15 ड्रॉप्स इसेंशल ऑयल के डालिए यहाँ पे आप रोजमेरी या फिर लेवेंडर इसेंशल ऑयल या फिर आदर कोई भी आपको जो फ्लेवर पसंद हो वो यूज़ कीजिए और इसे रूम में स्प्रे कीजिए इसकी स्मेल बहुत देर तक टिकती है और इससे मक्खी मच्छर भी दूर होते हैं रूम का एनवायरनमेंट भी फ्रेश लगता है इससे आपको भी स्ट्रेस फ्री और रिलैक्स फील होगा अगर आपको घर में मक्खी या मच्छर की प्रॉब्लम हो तो फ्लोर क्लीन करते वक्त आप उसमें आठ से दस ड्रॉप ऑरेंज इसेंशियल ऑयल के डाल के देखिए एक या दो यूज में ही इसका आपको इफेक्ट नजर आएगा आईज के डार्क सर्कल्स या फिर पफीनेस दूर करने के लिए भी इसेंशियल ऑयल हेल्पफुल होता है यहाँ पे आप लेमन इसेंशियल ऑइल लवेंडर रोज मेरी रोज इसेंशल ऑयल क्लो इसेंशल ऑयल रोज जेरानियम इसेंशल ऑयल यूज़ कर सकते हो इसमें से आप कोई भी एक या दो का कॉम्बिनेशन करके भी आप यूज़ कर सकते हो इसेंशियल ऑयल के दो से तीन ड्रॉप किसी कैरियर ऑयल में या फिर जेल में या फिर आई क्रीम में मिक्स कर कर आँखों के पास रात को सोने से पहले मसाज कीजिए और सुबह धो दीजिए इसके डेली यूज़ से आपको जल्दी ही अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा आपको अभी मैंने जो भी इसेंशियल ऑयल के यूजेस बताए उसके हिसाब से आपको पर्सनली जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप इसेंशियल ऑयल चूज़ कीजिए और वो यूज़ कीजिए उसे यूज़ करने के लिए आप फेस पैक में फेस क्रीम में क्लींज़र एलोवेरा जेल या फिर कोई अदर जेल मॉइस्चराइज़र शीट मास्क टोनर नाइट क्रीम आई क्रीम लोशन कैरियर ऑयल इसमें आप मिक्स करके इसका यूज आप स्किन केयर के लिए कर सकते हो इसके लिए आप दो से तीन इसेंशियल ऑयल का कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हो हेयर केयर के लिए आप इसेंशियल ऑयल कैरियर ऑयल में शैम्पू कंडीशनर हेयर स्प्रे हेयर सीरम हेयर मास्क इसमें मिक्स करके लगा सकते हो हेयर केयर में भी आपका पर्सनल प्रॉब्लम क्या है उसके अकॉर्डिंग इसेंशल ऑयल चूज़ करके यूज़ कीजिए जनरल फैक्टर्स भी हमने जो डिस्कस किए हैं वहाँ पे भी आप इसेंशियल ऑयल यूज़ कर सकते हो और भी इसेंशियल ऑयल के बहुत सारे यूजेस हैं। इसेंशियल ऑयल के और भी बहुत सारे टाइप्स भी है लेकिन जो मेन मेन मुझे लगे जिसकी हमें रिक्वायरमेंट हो सकती है जो इजीली अवेलेबल हो सकते हैं वो मैंने यहाँ पे कवर किए है एक्चुअल में जो इसेंशियल ऑयल यहाँ पे हमने देखे हैं वो तो भी और बहुत सारी जगह पे हम यूज कर सकते हैं। आप जब इसल ऑयल यूज करने लगेंगे तो और भी बहुत सारे यूज़ेस आपको पता भी चलेंगे बस इसके लिए आपके चॉइस के अकॉर्डिंग इसेंशियल ऑयल लीजिए और इसका यूज कीजिए और इसके बेनिफिट्स मुझसे भी शेयर कीजिए इसेंशियल ऑयल आपको किसी भी आयुर्वेदिक शॉप में इजीली मिल जाएगी लेकिन अगर आपको किसी स्पेसिफ़िक ब्रांड की इसेंशियल ऑयल चाहिए तो आप उसे ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं इसेंशियल ऑयल के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं लिमिटेशन बस इतना ही है कि आपको की क्वांटिटी थोड़ी ही यूज़ करनी होती है इसका बिल्कुल भी ज़्यादा यूज़ नहीं करना है क्योंकि ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है बस इतना ख्याल रखिए और इसका बेनिफिट उठाइए आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी ये मुझे बताना ना भूलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिए मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे भी प्रेस कीजिए थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो